अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बादु फाऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मेहरबान आराम से कहिए, आपको सवाब मिलेगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फन्तहु सदकल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। जिन्हां नूं लगदा होवे कि दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए है, वो सारे भाई मिल के पढ़ लो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। माशाल्लाह, तो तेरा चला गया फड़ के। माशाल्लाह, सालाना महफिले मिलाद मुस्तफ़ा कोठी हाजी इमदादुल्ला तारड़ साहेब रसूलपुर तारड़, माशाल्लाह जेरे इंतज़ाम इज़्ज़त मआब चौधरी मोहम्मद बख्श तारड़ साहेब सदर मुस्लिम लीग नून ज़िला फरीदाबाद, इज़्ज़त मआब मोहतरम चौधरी अहमद बख्श तारड़ साहेब, चौधरी मुराद बख्श साहब, चौधरी आहद बख्श साहब, मुजफ्फर हुसैन तारड़ साहब, चौधरी मोइन नवाज और जहान खान तारड़ साहब, मेरे सादात भाई, मेरे तो कबल बयान जो फरमा गए या बाद विच फरमाएंगे, और तमाम मेहमाना ने गिरामी अहले इस्लाम उशाकाने मुस्तफ़ा मुहिब्बाने सहाबा व अहले बैत, थोड़ी जी गुफ्तगू करांगा और चाहवांगा कि आप सारे उसनु ध्यान नाल समात फरमा लो। अजीजों और साथियों, माशाल्लाह जितने भाई दूर दराज तो तशरीफ लाए हो, अल्लाह आप सब दा आना कबूल फरमाए। साढ़े जो ये अजीज महफिल पाक करांदे ने हर साल, महाफिल मीलाद का मकसद या कोई भी महफिल होवे उदा मकसद तबलीगे दीन होता है, ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदि पाकीज़ा तालीमात दा तज़किरा हो और लोगों के ज़हन विच्चों दीन निकले ना, क्योंकि फितरत इंसानी है जिस चीज का बार बार तज़किरा हो इंसान दे शऊर दे अंदर जिंदा रहता है। अल्लाह ने इंसान दे ज़हन नू ऐसा बनाया है कि जेड़ी चीज रिपीट ना होवे ओ तहत शऊर और ला शऊर चली जाती है, भूल जाती है, मगर जिदा तज़किरा होवे शऊर जिंदा और बेदार होती है।
तो दीनदार बंदे वास्ते दीनदार होण दा तकाजा ए वे कि दीन ज़हन दे अंदरों निकले ना, दीन ज़हन दे अंदर रवे। दीन दे ज़हन विच रहण वास्ते लाजिम है कि इस दा बार बार तज़किरा होवे और महाफिल उस तज़किरे दा ज़रिया। बस ऐ चीज अजीजम, दीन जिस वक्त रब ने दुनिया ते भेजिया है अपने नबी दे जरिए, उस वक्त दे और साडे दरमियान 1400 साल हायल ने। दरमियान में 14 सदियां ने, और हर बंदे दी ख्वाहिश है कि मेरे को दीन खालिस पहुंचे। जाहिर है मुसलमान जो भी है उसकी ख्वाहिश और तमन्ना है कि जो दीन अल्लाह ने अपने नबी नू अता फरमाया है मेरे को वो दीन पहुंचे, मैं उस दीन नू प्रैक्टिस करा, मैं उस दीन ते अमल करा, मैं उस दीन नू फॉलो करा जो मेरे आका करीम ते आज तू 1400 साल पहले नाजिल होया है। उस वक्त कोई कुतुब खाने नहीं सन, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, अखबार, कोई ऐसी चीज नहीं सी जिदे विच वो चीजा जो उस वक्त आ रही सन ओ महफूज कीतियां जांदियां। उस वक्त हरूफ हरकत और सकनात नो महफूज करन वाली सब तो मेन चीज सी ज़हन इंसानी। अपनों बड़ी तवज्जो नाल मेरी बात समझनी पवे। ज़हन इंसानी ने जो सुनया है, जो वेख है और जो महसूस किया है वह महफूज कर लिया, और उसनु अगली नस्ल च मुंतकिल किया है। इवन के सब तो पहली और बड़ी किताब कुरान, हजूर दे विसाल दे वक्त किताबी सूरत च मौजूद नहीं सी। कुरान भी किताब की सूरत जिस तरह हुण साडी मसाजिद विच मौजूद है इस तरह मौजूद नहीं सी। ठीक है, देखिए कुछ कुरान सहाबा इकराम और अहले बैत दे सीनियां विच महफूज सी, और कुछ कुरान जानवर दे चमड़े ते लिखिया सी, कुछ पत्थर ते लिखिया सी, कुछ बड़े जानवरां दे जो हड्डियां सन शाने दियां बड़ियां हड्डियां होदियां उन्हां ते लिखिया सी, कुछ दरख्तां दियां छिलां ते लिखिया सी। ऐसी मुख्तलिफ सूरतां दे अंदर कुरान पाक सी जदों हुजूर दा विसाल होया, मगर सहाबा दी कसीर तादाद कुरान नूं वी हिफ्ज़ कीता सी, हजूर दी हदीस नूं वी हिफ्ज़ कीता है। अबे बात समझ लेना, अल्लाह पाक ने जिस जगह ते रसूलुल्लाह नु मबूस फरमाया है उस खिते दे लोग कुव्वते हाफिजा दे अंदर बड़े मजबूत सन, अरब उन्हां दी कुव्वते हाफिजा बड़ी मजबूत सी। सो चीज ऐसी है कि साडे जिहड़े आ तुसीं ते असीं बैठे हां, साडे हुंदिआं अशरा पहले अशरे अशरा सदिन 10 साल, 10 ते लफ्ज अशरा बोलिया गया, 10-20 साल पहले दा एक वाकया है, 10 साल या कितने तकरीबन साल, एक पाकिस्तान विच औरत सन बेनजीर, बेनजीर भुट्टो, उन्हां दा हजारां कैमरियां दी मौजूदगी बहुत वाजे रोशनी लखां अखां दी मौजूदगी विच, लखां अखां दे मौजूदगी विच अखां देख रही हैं,
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के लोग मौजूद ने, कैमरे लगे ने, टीवी चल रहे हैं। उस औरत का मर्डर होया। इतनिया चीजा होंदिया भी अस ये फैसला नहीं कर सके कि मर्डर किस कीता है। साडे कोल कोई यकीनी खबर मौजूद इबहाम हो गया है, पता नहीं किस कीता है, पता नहीं किस कीता है। तो भाई साहब इनिया चीजा ते होंदिया साडे कोल अस ये फैसला नहीं कर सकते। तो सोचो जदों ये सारिया चीजा कोई नहीं सकता, अज तू 1400 साल पहले दिया चीजा दा साडे कोल सही पहुंचना ये अल्लाह दी मर्जी, अल्लाह दी कुदरत और हुजूर दे मौजज़े तो बगैर मुमकिन नहीं सी। तो दीन किवें मुंतकिल होया ऐ जिवें मैं बोलदा पिया इंज लोग बोलदे सन, अगे सुनन वाले सुनदे सन। इमामे अहमद हंबल जिस वक्त हदीस शरीफ बयान करदे सन तो उलमा फरमाते हैं कि 4000 दवातां, क्योंकि उस वक्त कागज मुसलमान को आ चुके थे, मजमे विच मौजूद होंदिया सन उन्हां लोगां दियां जिहड़े उन्हां दा बोलिया लिख रहे होंदे सन। और लोग एक दरम्यान च नकीब खड़ा हुंदा सी, फिर अगे नकीब खड़ा हुंदा सी, फिर अगे नकीब खड़ा हुंदा सी, जिहड़ा उन्हां कोल सुणदा ते पिछे दसदा सी कि सरकार है ऐ हजरत फरमा रहे। तो 1400 साल का गैप है साढ़े और दीन। ख्वाहिश है कि दीन खालिस पहुंचे, तो भाई सानू की करना चाहिए? सानू वो चीजा ढूंढनिया चाहिए जिहड़ियां उस वक्त भी मौजूद सन और आज भी मौजूद ने। सब तो पहले सानू वो चीजा तलाश करनिया चाहिए जिहड़ियां उस वक्त मौजूद सन और आज भी मौजूद ने। वो चीजा की ने सब तो पहले जो चीज सानू नजर आउंदी है जिहड़ी उस वक्त भी सी और आज भी है और जिहदे एक हरफ च भी फर्क नहीं आया, वो चीज कुरान है। और ये रब दा वादा है और अल्लाह दे रसूल दा मौजज़ा है कि अल्लाह फरमाए इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून, हमने ही कुरान को नाज़िल किया है, हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे। तो बिल्कुल बात अपने करीब ले आया आप उन्हें समझाने दे। कुरान जदों हुजूर दा विसाल होया है इस सूरत च नहीं सी, कुरान इस सूरत विच नहीं सी। इस सूरत विच जमा करन दा एजाज रसूलुल्लाह दे सहाबा और हजरत अबू बकर सिद्दीक नूं हासिल होया। आप किसी भी मकसद फिक्र नाल ताल्लुक रख दो कोई फर्क नहीं पैंदा, मेरी गल समझो। कुरान अबू बकर सिद्दीक जमा कीता है, इहदे विच कोई इख्तलाफ किसी फिरके दा भी नहीं। ए सही है या गलत है इहदे वास्ते इक्को बात काफी है, कुरान अबू बकर ने रसूलुल्लाह को सुन के याद कीता सी। मौला अली ने उहदे च तब्दीली नहीं कीती, इहदा मतलब है कुरान पूरा ठीक है। आपनूं मसला समझ आ गया भाई साहब? मैं हौली हौली पिया तुहानूं गल करना, प्यार नाल पिया समझाना, क्योंकि तुसीं अगे ना तां सुन के झूम शूम बतेरा लिया है। हुण कोई गल सुन लो, मैं तुसी कम अज़ कम जो इत्थों उठो तो तुहानूं को पता होवे भई यार असां गल है सुनी है, अज सानूं समझ आई है। बाकी चीज़ां तो तुसी मज़ा ले लिया है, लुत्फ ले लिया है, कैफ ले लिया है, सुरूर ले लिया है, माशाल्लाह तुसी मिलाद शरीफ सुन चुके हो, सारा तुसी सुन चुके हो। ए कुछ एक दो गल्लां फकीर दियां याद कर लेना, तुहानूं इहदे नाल बरकत हासिल होवेगी। हज़रत साहब सुनो, कुरान रसूलुल्लाह फरमांदे ने मैं दो चीजा छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान और एक मेरी आल। दूसरी हदीस में फरमाया मैं दो चीजा छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान और एक मेरा तरीका यानी सुन्नत। सुन्नत का मतलब होता है तरीका रास्ता। तो त्रै चीजा बनी है, कुरान आल और तरीका। त्रै चीजा कुरान आल और हजूर का तरीका। तो आप इस चीज को समझना मैं कह रहा हूं।
कुरान जमा कीता सिद्दीक अकबर ने, मौला अली ने उदे ते इतराज न कीता, इदा मतलब है अबू बकर ने ठीक जमा कीता। दूसरे नंबर ते आ गई आल, तवज्जो है जी। अब मैं आपको एक सवाल करना, खैबर मौला अली ने फतह कीता है कि ना? तो सवाल है भाई, हजरत अली ने मरहब नू खैबर विच कतल कीता, मरहब कतल होया। सवाल है उस वेले अखबार सन जिन्हें दसिया है कि मौला अली फाते खैबर ने, या यहूदिया दसिया है? ना तो यहूदिया दसिया है कि सानू मौला अली ने बड़ा कुटिया, ना मौला अली दसिया है कि मैं यहूदिया ने बड़ा कुटिया। अखबार टीवी ऐसी चीज है कोई ना? ये फिर वाकया साढ़े को 1400 साल बाद किवें अपड़िया? आपकी तवज्जो की जरूरत है कि 1400 साल पहला एक वाकया होया तो साढ़े को किवें पहुंचा? जवाब, मौला अली खैबर तोड़िया, फतह कीता, यहूदी फरीके सानी मार खाई, शिकस्त खुर्दा होए, खैबर तो निकाले गए, भाग गए। इस वाके नु वेखण वालियां अखां हजूर दे सहाबा दियां जिहड़ियां उस वेले मौजूद सन खैबर विच, उन्होंने वेख्या और इस वाके नो बयान करने वाली शख्सियत हजरत अबू हुरैरा। अब फरमांदे कि मैं रसूलुल्लाह को सुनया, हुजूर ने फरमाया लाओ तयन्ना हादिहि रायत गदन रजुलन यफ्तहुल्लाहु अला यदैहि, कल झंडा उन देंगा जिस मर्द के हाथ से फतह हो। तो दसन वाली शख्सियत कौन ने? हजरत अबू हुरैरा। सुनिए, हजूर ने फरमाया फकुल तालु नदु अपना अना वाबना कुम वनिसा अना वनिसा कुम वानफुसना वानफुसा कुम सुम्मन अब्तहिल। कल मुबाला होएगा, तुसी अपने बेटे ले आओ, मैं अपने बेटे ले आना, तुसी अपनियां औरतां ले आओ, मैं अपनियां औरतां ले आना, तुसी अपनियां जानां ले आओ, मैं अपनियां ले आना। ओ यो ईसाई अपना वफद लेके आए, रसूलुल्लाह हजरत फातिमा अली पाक ते हसन ते हुसैन पाक नु लेके निकले। सवाल, हजूर लेके निकले ये यहूदियां ते नहीं दस्या, ईसाइयां ते नहीं दस्या, तो हजूर आप भी नहीं दस्या कि मैं इन्हां नु लेके निकलिया, तो फिर दस्या कैसे? انصاد ابن ابي وقاص قال لما نزلت هذه الايه فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم دع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا। हजरत साद बिन अबी वकास फरमांदे ने कि मैं गवा, जदों रसूलुल्लाह सरकार ते आयत नाजल हुई है ना मुबाले वाली, उदों हजूर ने अली फातिमा ते हसन ते हुसैन नु बुलाया है, मुबाले वाली खबर भी साढ़े तक सहाबा दे जरिए पड़ी। अभी रुकी, अभी रुकी, थोड़ा रुकी। आए तत्हीर नाजल हुई, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुदहिबानकुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा आप फरमांदियां ने कि मैं वेख्या हजूर ने अली हसन हुसैन और फातिमा नु बुला के अपनी चादर दे थले लेके फरमाया, या अल्लाह मेरी अहले बैत ने इन्हां नु पाक फरमा। यह खबर भी साढ़े को पहुंची थी हजरत उम्मे सलमा के जरिए। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हसन ते हुसैन हाजानी इब्ना या, ये मेरे बेटे ने, ये हदीस ते मौजूद है, मगर ये बयान करने वाली शख्सियत हजरत उसामा बिन जैद रदी अल्लाह तआला नो दियो भी सहाबी। थोड़ा रुकी, फिर समझिए, रसूलुल्लाह ने फरमाया हसन ते हुसैन मेरे फूल फूल ने, हमारे हान अताया मिनत दुनिया, हसन ते हुसैन दुनिया च मेरे फूल ने, ए फूल ने ए ते समझया, लेकिन बयान किस कीता है? हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला नो, सही बुखारी विच रिवायत, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने बयान कीता। रसूलुल्लाह ने फरमाया मन कुंत मौलाहु फहादा अली मौलाहु, जिसका मैं मौला उस दा अली मौला है। तवज्जो है, जिसका मैं मौला उसका अली पाक का हाथ फड़िया है, हजूर फरमा रहे जिसका मैं मौला उसका अली मौला। ये बंदे कौन है जिन्होंने हजूर फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला है?
सामने साहबा सन, उस वेले शिया सुन्नी बाबी ते आए कोई साहबा सन, तो साहबा ने सुनिया 17 साहबा ने हदीस रवायत की है कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला है, जिन्हें एक हजरत उमर भी नहीं, हजरत बुरैदा भी नहीं। तो अगर साढ़े तक ये खबर पहुंची है कि अली मौला ने, तो ये तारुफ कराने वाले हजरत उमर बिन खत्ताब ने नहीं। अजय रुको, अजय रुको, थोड़ा रुको। हुसैन और मिन्नी वाना मिनल हुसैन, या अल्लाह मैं हसन ते हुसैन नाल मोहब्बत करना, तू भी इन्हां नाल मोहब्बत फरमा। हसन ते हुसैन की शान बयान करने वाली शख्सियत कौन ने? हजरत अबू हुरैरा। रुको रुको, अली दा चेहरा वेखना इबादत है, इबादत। अली दा चेहरा वेखना, बोलिए अली पाक दा चेहरा तकना। भाई ये साडे कोल गल कह पढ़ाइए जवाब। हजरत अबू बकर सिद्दीक मौला अली दा चेहरा पे तकदे आ। अम्मा आयशा पूछे, अब्बा जी हर वेले अली पाक दा चेहरा वेंदे हो? फरमाया, बेटा मैं रसूलुल्लाह कोल सुने अली दा चेहरा वेखना इबादत है। सर तवज्जो है, तो सहाबाए किराम कुरान भी महफूज करके दसिया है, ते जो हजूर कोल आल दी शान सुनी है वह भी साढ़े तक पहुंचाई। तीसरी चीज हो गई सुन्नत, हजूर दा तरीका, हजूर दे तरीके नूं महफूज करन दीआं तीन सूरतां। नंबर एक, काला रसूलुल्लाह, हजूर ने फरमाया। नंबर दो, समय तो रसूलुल्लाह, मैंने रसूलुल्लाह से सुना, हुजूर ने फरमाया, हुजूर से सुना, राई तो रसूलुल्लाह, मैंने हुजूर को देखा, मैंने रसूलुल्लाह को देखा, हुजूर से सुना, हुजूर ने फरमाया, हुजूर को देखा। इतरावे काम आसानी कर सकते, सुनन वास्ते वो कान चाहिए है जिहड़े हुजूर दे सामने है, वेखण वास्ते वो अखां चाहिए है जिन्हां रसूलुल्लाह सरकार नूं वेख्या है। अखां भी सहाबा दियां ते कान भी सहाबा दे। तो मैं बयान की करना चाहता, मैं समझिया की, मैं समझिया त्रै चीजां हुजूर छड़ियां ने, एक कुरान, एक आल ते एक सुन्नत। त्रावे चीजां हुजूर सरकार दी उम्मत च पहुंचाण वालियां हस्तियां रसूलुल्लाह दे सहाबाए किराम ने। तवज्जो है, अगर तुसी सुन्नत आल कुरान नाल जुड़ना चाहते हो तो तुहानू सहाबाए किराम दीयां जिंदगियां नू पढ़ना पवेगा, वगरना तुसी जुड़ नहीं सकते। बात करीब आ गई, असी जो मिलाद करने ये भी सानू सहाबा ही दस्या, जो महफलां कराने ये भी सानू साहबा ही दस्या, हजूर दी किवें विलादत हुई है ये भी साहबा ही दस्या, साहबियात ने दस्या, रसूलुल्लाह दी जिंदगी कैसी है ये भी रसूलुल्लाह दे साहबा ही दस्या। तवज्जो है, कुछ शैतान भी दस्या, जेड़े शैतान दे शागिर्द नहीं उन्होंने परेशान होने की जरूरत केड़ी है? वो खुश हो कि जिन्होंने शैतान दस्या है वह सबक पढ़ते रहना, असा उन्होंने नहीं पढ़िया, असी तो रसूलुल्लाह का सबक पढ़िया हो। मसलन कुरान पढ़ो, अल्लाह फरमाते इन्नमा युरीदु शैतानु अन युकिया बैनकुमुल अदावा, शैतान की कम है लोगों में लड़ाई बनानी, शैतान की ड्यूटी की है लोगों में लड़ाई करानी, शैतान चाहता है कि तुम्हारे दिलों में अदावत पैदा करे। मेरे ख्याल नाल जिहड़े मेरे सामने मेरे भाई बैठे ने, साडे विच ते कोई बंदा भी ऐसा नहीं ना होना जिहड़ा किसी के दरमियान लड़ाई करवाए, भाई ऐसा साडे विच ते कोई नहीं होना माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह तुसी ते बड़े अच्छे लोग हो, भले आदमी हो। रसूलुल्लाह दा तरीका की? साहबी कहंदे रसूलुल्लाह नमाज पे पढ़दे सन ते दो बच्चियां लड़दियां लड़दियां हजूर दे सामने आ गईं। भाई साहब तवज्जो है,
एक गल समझ लेना ते उनू याद कर लेना। पुराने जमाने विच ना जिले बीबियां मर्द घर बाहर निकलन लग्या ना बाहर निकलन लग्या कि शहर चलना है ते ए चीजां ले आई ओ ना ए जड़ी कपड़े दी एक कोना हुंदा ना इहदे उत्ते गड मार दी आईयां ए पुराने दौर दा रिमाइंडर हुंदा सी भाई याद रखी ए चीज जरूर ले आई ए जड़ी मैं गल पिया दसना अज दी तकरीर दा मरकजी नुक्ता है इनू रिमाइंडर दी तरह याद कर लो और पल्ले बन लो कि नमाज हुजूर दी है आम बंदे दी नमाज नहीं रसूलुल्लाह दी नमाज है ते दो औरतां लड़कियां लड़दियां लड़दियां हुजूर दे सामने आ गईयां हुजूर मुसल्ला छोड़ दिता रसूलुल्लाह ने मुसल्ला छोड़ दिता है और उन बच्चियां नु लड़दियां नु अलग कर दिया भाई साहब हुजूर दी सुन्नत दे कितने पहलू ने हुजूर ने दस्या है कि अगर मुसलमान लड़ रहे हैं और तू नमाज पढ़ रहे हैं तो तू मेरा कैसा उम्मती है लड़दियां मुसलमानां नु लड़ाई तो बचाना नमाज तो भी ज्यादा जरूरी काम है बंदे तो लड़दे पैन तो मैं तस्बीह फदी और मैं तस्बीह पढ़ी जाना भाई ऐसी तस्बीह दा की फायदा ऐसी तस्बीह दा की फायदा है जे तू तस्बीह भी पढ़ना है तो झूठ भी बोल तू तस्बीह भी पढ़ना है बल्कि हुण के तस्बीह जिहड़ी ओ सियासी हो गई है की ख्याल है तुहाडा असा ते इसे तो छड़ दित्ती है भाई अगे ते हुंदी आई पीरां फकीरां सूफियां कोल लेकिन हुण साडे कोल इह तस्बीह भी सियासतदाना ले ली असी चुप कर गए आ चलो इह ही साडे कोल आई तुसीं इह भी ले लो तवज्जो है भाई साहब तस्बीह पढ़ना कमाल नहीं अगर तू दिल नहीं फेरिया दरवेश कामिल सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह बोले तो आप फरमा देने तस्बीह फिरी ते दिल ना फिरिया तस्बीह फिरी ते दिल की लेना तस्बीह बैठ जाओ बात सुनो फरमाया तस्बीह फिरी ते दिल नहीं फिरिया की लेना तस्बीह पड़के हो तस्बीदार तो कस्बी होयो तस्बी भी पढ़ना है मिलावट भी करना है अल्लाह अल्लाह तवज्जो है तुम्हारी तस्बी भी पढ़ना है मिलावट भी करना है तस्बीह भी पढ़ना है झूठ भी बोलना है तस्बीह भी पढ़ना है अदीदा लोगों के दरमियान लड़ाई भी कराना है तस्बीह भी पढ़ना है फ्रॉड भी करना है तस्बीह भी पढ़ना है दिल भी तोड़ना है बाहु फरमाते ने तस्बीह दा भैया तेरी की तस्बीह है जे किसे लेने हो ना सुपर दे चावल तू आंदा भाई तू इंडिया दे ले लो ते जे को आखे ना भाई सारे रले लेने ने तू आंदे फिर पाकिस्तान दे ले लो सारे रले हो वैसे यार जेड़ा बंदा इस गल ते भी सुभान अल्लाह पे आंदा है इस बंदे दी भी क्या बात है हां जी यानी एड़ा हाजिर दिमाग हो के बंदा तकरीर पे सुन रहा है भाई साहब बड़ी मजेदार बात है आपने माशाल्लाह चलो समझ लाइए यानी अगर किसी का बूढ़ हो ना मैं सारिया किस्म के चावल रले पकाने ने आज
मतलब कोई उसने ऐसी कोई ज़ेन उदे जाया हो यार सुपर दे ईरी दे छियासी दे पचासी दे सारे रले हो ते उदा फिर दिल कर दे तो आंदा फिर पाकिस्तान दे लोग उदे भाई सारा माल ही रलिया हुआ जेड़ा बंदा इंज कर दे तस्बीहां उंदे हाथे च वी उदी गड्डी च मुसल्ला भी होंदा है उदी गड्डी च लोटा भी होंदा है उदे हाथे च तस्बीह भी होंदी है और जिथे नमाज का वक्त हो जाए ड्राइवर गड्डी रोक मैं नहीं छड़नी नमाज नहीं छड़नी ते अल्लाह वाले फकीर दरवेश यही ध्यान दे पैन पाया की करना हजरत ओए अल्लाह वाले कोल बवया करो ओए तुहानू गुर दीआं गल्लां दसणगे हजरत शाह इनायत उन्हां कोल उन्हां दे मुरीद अल्लाह अकबर बाबा बुल्ले शाह जी पूछा मुर्शिद रब किवें लभदा है प्याज पिगड़दे है वसल पिगड़दे है प्याज उन्हें इंज पंडीरी पट्टी ना गुठी चो ते दूजी जगह ते ला के फरमांदे ने बुल्या रब दा की पाणा एदू पटना ते इदे लाणा आ दिल ही बदलना हुंदा है जदों ए बदल जाए सारा काम ही सीधा हो जांदा अजीजम वो बदलता नहीं पिया तस्बी पढ़ता है बाहु फरमाने ने तस्बी दा तू कस्बी होयो मारे दमे वलिया पत्थर चिती जिना देवा उथे जाया बसना सुनो अजीजो आलमे दीन दी की जिम्मेदारी है दरवेश दी की जिम्मेदारी है आईने जमा मर्दा हक गोई ओ बेबाकी ऐ अजीजो ऐ साथियो बंदा ए मोमिन दा आगाज बंदे दे सवरण दा अंदाज दिल तू होंदा बंदे दे सिद्धियां होण दा आगाज दिल तू होंदा है जदों दिल सीधा होंदा है ते बाहरों बंदा आपे सीधा होंदा जांदा है ते दिल डिंगा होवे ना कदी इंसान सीधा नहीं हो सकदा ओ लख वारी जो मर्दी तस्बीहां पिया पड़े अजीजो मिलाद दा सबक सुनो मिलाद बयान कर रहे हैं अब सुनो मेरे सज्जन मेरे अजीज मेरे नबी पाक सरकार अम्मा हलीमा पाक दे घर जलवा कर होए ने मेरे आका करीम मेरे सोने नबी अम्मा हलीमा अब क्या हाल है जनाब अब ठीक हो जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आका करीम अम्मा हलीमा पाक दे घर जलवा कर होए अम्मा हलीमा ने हुजूर नूं अपने सीने नाल ला के दुध पिलाया जो मिलाद समझ सकदा होवे दरवेश को मिलाद समझ ले हुजूर ने एक तरफ दा दूध पी लिया ते अम्मा हलीमा हुजूर नूं दूसरी तरफ पीता अजीजा ने मोहतरम तेरे ते मेरे नबी ने अपनी मां दी दूसरी तरफों दूध नोश नहीं फरमाया या रसूल अल्लाह दी वजह क्या है हुजूर बचपन च भी जान दे आए मेरी अम्मा दा एक और बेटा भी है जेड़ा मेरा रिजाई भाई है मुहम्मद करीम ने मां दी गोद च भी बिरादा हक नहीं खाया दुनिया नु तरस दिता है
मुहम्मद दी मिलाद सुनन वाले असली उम्मती ओए जिहड़ा भाइयां दा हक ना खाए भाइयां दे हक दी हिफाजत करदा होए ते जिन्नू जिंदा लब्बे और जो लब्बे और जिवें दा लब्बे ओ खा जांदा होवे ते आखे मैं रसूलुल्लाह दा बड़ा नौकर हां और मैं बड़ा करम वाला पर ओ करम वाला कोई नहीं सुल्तान बाहू फरमाउंदे ने पढ़ पढ़िया फाज़िल होयो पी तालिब होयो जरदार दौलत लबे ए जालिम नफ्सना मर्दा हो बाज फकीरा किसे नहीं मारिया ते जालिम चोरे दा चंद जुमले मिलाद शरीफ दे चंद मिनटां विच अर्ज करांगा बाकी सबक मैं तुहानूं जो पढ़ाया है उहदा खुलासा कर रहा अजीजो दीन अगर चाहते हो कि साडे कोल खालिस पहुंचे तो कुरान पढ़ो नबी दी हदीस पढ़ो मगर याद रखो कुरान और हदीस नूं अपनी मर्जी नाल इंज ही पढ़न दा नफा हुंदा है जिवें हिकमत दी किताब खरीद लईए ते बंदा हकीम नहीं ना बनदा इवें आपे कुरान पढ़िया बंदा आलिम नहीं हुंदा ना कुरान समझ आउंदी है जे कल्या कुरान रब नहीं गलिया उहनां नाल उस्ताद गलिया है ते दा मतलब है कुरान समझण वास्ते उस्ताद जरूरी है बंदे आते ने मौलवी सही नहीं रहे मौलवी बड़े खराब हो गए लो जी मान लिया मौलवी खराब हो गए मौलवी मान लिया हो गए लो जी मौलवी खराब हो गए डॉक्टर सारे वली अल्लाह ने मैं एक मिसाल देनी डॉक्टर वली अल्लाह ने सारे सारे आन पता है भाई डॉक्टर सारे वली अल्लाह ने खराबियां उन्हें भी हैं लेकिन दवाई मुड़ भी असि उन्होंने को ही लेने क्यों उन्हें डॉक्टरी पढ़ी भाई साहब मौलवी जो करता है वो ना करो लेकिन मौलवी जो दसता है वो मान लो क्योंकि मौलवी दीन पढ़िया है मौलवी दा बारह साल ला के पहला कुरान हिफ्ज किया है मुड़ हदीस पढ़ीए दरस निजामी पढ़ीए फिर उसनू डेप्थ जाके अंदर जाके दीन नू समझे फतवा मौलवी देना है वो साडा ना एक मास्टर सी मुरीद सी ते मेरे कोल आया दवाई लैके ओनू हैपेटाइटिस सी मैनू आंदा जी दवाई नू फूका मारिया मैं क्यों खैर ही हो सके जी मैं जरकान है ते दवाई लैण लगा मैं कह केड़े डॉक्टर तू लई आओ सके जी मैं नेट तू वेखी तू नेट ते लिखे ऐसी वे दवाई सही है तो मैं उले लई मैं कह यार मास्टर नेट तू दवाई वेखी आ खैर हो उले कह नहीं मैं वेखी जी वो मैं सरकार मैं एमए कीते है हुन नहीं पता मैं नेट तू वेखी ओ जी नेट तू दवाई वेख के दा मास्टर खांदा रिया इस टाइम मास्टर साहब कब्रस्तान ने जलवा फरमा ने अल्लाह उन्हें जन्नत अता फरमाए किसे वेखना होवे तो मैं कब्र ते लिजा सकना मैं कहना की चाहना जिवें नेट तू वेख्या दवाई लईए ते बंदे दा कुछ नहीं ना रहंदा एवें जिन्ना नेट तू दीन लेना है उन्हां दा भी कुछ नहीं रहंदा
नेट दीन लैन वाली शह नहीं। मैं छोटी जी एक मिसाल देना, जेड़े मुंडे नेट तू जुतियां मंगवांदे हो कदी पूरियां आईयां है, कदी छोटी आ जांदी है कदी वड्डी आ जांदी है। अगा मैं ज्यादा नहीं जानता तुसी नेट तू की लैंदे हो, कदी सही निकलिया है? ए पुत्रा ओ चीजा मुड़ भी ले लिए, जुत्ती पूरी आई आई ना आई ना आई, कपड़ा चंगा निकलिया निकलिया ना निकलिया दफा कीता, लेकिन जे दीन गलत ले लिया, दीन उठ ही लो जिथु दीन आया है, मस्जिद और मदरसा। कभी भी नेट तू दीन लैण दी कोशिश ना करना, नेट ते पता नहीं की पिया भाई, कभी भी सही समझ तो नेट तू दीन दी नहीं आ सकती। भाई साहब ए तुहाडा सेहत दस दिए कि तुसीं गुस्सा करदे हो, थले बह जाओ, तुहाडी मेहरबानी है, बंदे तकरीर सुनन आए ने, इन्हां तुहाडी मूवी नाल कोई गरज नहीं, जिहड़े सारी रात दा जागदे पए ने उन्हां तकरीर पुत्तर सुनन दिओ, तुहाडी मूवी बणदी बणाओ, नहीं बणदी ते ना बणाओ। ये पुराने ने सरकारे मदीना दे पुत्तर, इन्हां नाल कुछ ना कोई मिला सी बेचारे, ते तू भी ए पुत्तर तू भी पुराना है, आई लव यू बेटा, लेकिन लड़ना नहीं, लड़ना नहीं बेटा, लड़ना नहीं, लड़ो मत, लड़ो मत। भाई साहब आंदे जी हुण इलम बड़ा आ गया, भाई इलम बड़ा आ गया ते वेल्डिंग आप करदे हो, इलम बड़ा आ गया है, बड़ा इलम आ गया है, क्या तुसी हुण मकान खुद बनांदे हो? अजे भी मिस्त्री नहीं बनांदे, अजे भी लोहे दा काम लोहार ही करदे ने। ई तुहाडा दीन दी वारी क्यों प्रॉब्लम हुंदी है कि जी इलम बड़ा आ गया सी, आप दीन तू पढ़ लेंगे। मैनू एक एवं ही बंदा मिलया, उस आख्या मैं आप जी नेट तो सुनया, मैं आख्या दूजियां गल्लां बाद विच करांगे, मैनू पहले वजू दा तरीका सिखा, वजू दे फर्ज किन्ने ने, और मैं दस ए फर्ज क्यों ने। चार कम्मां दा नाम वजू नहीं, वजू तो ढेर सारे काम ने, सर दे मसे तो लैके पैरां तक धोना है, मैनू ए दस इन्हां विचों चार फर्ज ने, ते ओ चार फर्ज क्यों ने और दूजियां सुनतां क्यों ने? भाई साहब दोबारा रिपीट करांगा अपना जुमला, मौलवी जो करता है वो छड़ दे, वो ना कर, लेकिन मौलवी जो दसदा है वो दीन है, मौलवी अपनी गल नहीं दसदा, फतवा आलिम को ही लवांगा, दीन आलिम को सीखो, कभी भी जाहिल को दीन ना सीखा गया। आज प्रॉब्लम है जेड़ा बंदा कोई एफएससी चुनस जांदा है वो मौलवी बन पांदा है, कोई बी एस सी चुनसदा है वह मौलवी बन जाता है, कोई नीम या इंजीनियर बनता है वह मौलवी बन जाता है, नेट से बह के दीन की तशरीह जो जिंदा दिल करे वह करता है। और सुनने वाले आंदे जी असीं फलाने बंदे तो बड़े जेड़ा ना वो इंप्रेस हो गए, मैं कहे भाई साहब तुहानू समझ नहीं आई, सुन लिया करो, लो मैं ये भी आ ना तुसी जिदे कोल मर्जी सुन लो, पर रब दा नाम है, कुछ पीछा परत के साडे तो भी पूछ लिया करो, बस ही सुनिया इहदा माना की। आंदे हुंदे ना नीम हकीम ते खतरा जान, नीम मौलवी खतरा ईमान। भाई साहब ये सबक है मेरा, बच्चो नेट तू दीन नहीं लेना, मैं ते आना नेट तू कोई शै भी नहीं लिया जे, पर जे तुहाडे तो गुजारा नहीं होंदा ते दूजियां तुहाडियां मर्दियां ने, दीन नेट तू नहीं लेना। ओदे उत्ते हजारां अहादीस गर्दश कर दियां, साडे बादशाह लोग बस पढ़ी आउंदे ने सुनी आउंदे ने ते आलिम बणदे जांदे ने। सुनिया असल दी तरफ रुजूए, त्रै चीजां ने जिथों तुहानूं दीन लभणा, एक दरवेश डोंगिया नहीं, डोंगिया नहीं सुचल दरवेश, दूसरा सही पढ़िया लिखिया आलिम, अक्सर इमाम मस्जिद आलिम नहीं होंदे, अक्सर वाइज आलिम नहीं होंदे,
आलिम और होंदा है। ये बात याद रखना, बाज करना और नमाज पढ़ा लेना मुसल्ले ते खलो के ये आलिम होने की अलामत नहीं। ये थोड़ा जिहा पढ़ के भी बंदा मुसल्ले ते खलो के नमाज पढ़ा लेंदा है, दो एक किताबां पढ़ के भी बंदा तकरीर कर लेंदा है, ये और दुनिया इल्म वास्ते मेहनत करनी पौंदी। जिन्ना वो पढ़िया है उन्हां कोल बैठ के मसले का हल दरियाफ्त कीता कर। उलमा दी जन्नत च भी लोड़ होनी है, दुनिया ते दुनिया है, लिहाजा उलमा दा दामन मत छोड़ो, सच्चे उलमा ढूंढ के उन्हां नूं मिलिया कर। वक्त मेरे को थोड़ा है वरना मैं एदे उते मजीद बास करनी सी। कुरान और सुन्नत चो दीन मिलेगा, कुरान और हदीस पढ़नी पवेगी फिर दीन मिलेगा, और हदीस भी अपनी मर्जी नाल नहीं पढ़नी। एक मिसाल ते इक्तिफा करांगा, बुखारी शरीफ च रवायत है कि रसूलुल्लाह खड़े होकर पेशाब कीता। तुसी सारे खड़े होके कर दियो या बैठ के, तो फिर तुसी हदीस ते छड्डी बैठे हो। अगर कोई जाहिल सिर्फ तर्जमा पढ़ लवे ते उते खलो के लगा उसी कि मैं जी बुखारी चो पढ़िया, ओदे कन तू मरोड़ के दसांगे कि एक पढ़िया अगली भी पढ़। अगर कोई आखे हुजूर ने खड़े होके वाशरूम इस्तेमाल फरमाया तो दी बात यकीन न करना, हुजूर हमेशा बैठ के वाशरूम कर। तो हदीसों भी बुखारी है, ये हदीस भी सुनन निसाई के अंदर मौजूद है, मगर असा उन छोड़िया ते इन लिया क्यों है, क्योंकि उस नु रवायत करने वाले ने हुजूर नु एक बारी वेख्या है, अम्मा आयशा बीवी ने दिने भी वेख्या है, रात भी वेख्या। तो हदीस केड़ी छोड़ी जाएगी केड़ी लई जाएगी, ये फैसला हर हर तर्जमा पढ़ने वाला बंदा नहीं कर सकता, ये वो कर सकता है जिदी नजर सारियां हदीसां होण और वो उसूले तरजीह तो वाकिफ होवे कि अगर दो हदीसां आ जाण तो तरजीह किस नूं आ सके। अलामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने 100 वजूहात तरजीह लिखी हैं, एक हदीस नु दूसरी एक नु छोड़ के दूसरी तरजीह देण दी 100 वजूहात। रब दा नाम है, चार गोलियां दा नाम आ जाए ते बंदा डॉक्टर नहीं बन जांदा। कि मैं डेस्प्रीन दा नाम आ गया, मैं सेप्टान दा नाम आ गया, मैनू जी राइजिक दा नाम आ गया ते मैं हुण जी डॉक्टर हो गया। चूहे नु सुट दी गड्डी लब्भी तो उसने कहा मैं पंसारी हां। इंज पंसारी नहीं बंदा बनता। अम्मा जी आमना फरमा दिया ने रसूलुल्लाह दा नूर जुमे रात नू मेरे वजूद जलवागर होया है। सुन वाले भाई साहब फुल चला फुल चला। अजीजा ने मोहतरम मोहतरम ज्यादा फुल भी नहीं, मजेदार हो जाए, अल्लाह तुहानू बरकतां अता फरमाए। अजीजा ने मोहतरम सुनी और याद फरमाइए रसूलुल्लाह सरकार दा नूर आया। अम्मा जी फरमांदियां ने सवेर होई मैं बाहर निकली हां, दरख्त मैनू सजदे करदे ने, पत्थर मेरे ते दरूद पढ़दे ने, मैं टुरदिया टुरदिया खूह ते गई आ, खूह दा पानी आपे मेरे कदमां विच आ गया है। मेहरान आए की हो रहा है, मेहरान आए की हो रहा है। जदों अगली रात आई अम्मा जी फरमांदियां ने मैं सो गई, मैं ख्वाब तकिया है, कद बड़ा लंबा है, सूरत बड़ी नुरानी है। मैनू फरमांदे ने आमना मुबारक होवी। जागो सुनियो तब क्या को सुभान अल्लाह। फरमाया आमिना मुबारक होवे। मर्द कीती आप कौन हो किस दी मुबारक होवे। फरमाया आमिना मेरा नाम आदम है, मैं
सब इंसानां दा बाबा तैनू मुबारक देना तू नबियां दे सरदार दी अम्मी बन गई है। सैयदा फरमांदियां ने 9 महीने गुजरे ने मैनूं 9 नबियां दी ज़ियारत होई है। जिवें औरतां नूं बोझ महसूस हुंदा है मैनूं बोझ महसूस नहीं होया, मेरी तबीयत च कोई गिरानी गिरावट नहीं आई, बल्कि फरमांदियां मैं सोनी आं मैनूं सोहणे सोहणे ख्वाब आउंदे ने। बीबी जी फरमांदियां ने मैनूं अपने कोलों खुशबू आउंदी है। अल्लाह अकबर कबीरा, जदों 11 ते 12 दी दरमियानी रात आई, फरमांदियां ने तहज्जुद दा वेला होया, मैं महसूस कीता मेरे पुत्र दा मिलाद होण वाला है। बीबी जी फरमांदियां ने, सैयदा आमना फरमांदियां ने, मैं सहन च उठ के कमरे विच गई हां, मेरे दिल च ख्याल आया मेरे कोल कोई औरत होंदी। फरमांदियां ने कमरे दी दीवार शक होई, चार औरतां अंदर दाखल होईयां ने। मैं पुछया तुसी कौन हो, फरमांदियां ने मेरा नाम हवा है, मेरा नाम आसिया है, मेरा नाम मरियम है, मेरा नाम सारा या हाजरा है। बीबी जी फरमांदियां ने मेरे कमरे च किवें आई आओ, फरमांदियां ने आमना शाला साड़ियां भी बड़िया ने, पर आज तेरे लाल दिया ताइया बन के आईया। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदा फरमांदियां ने औरतां मेरे चार चुफेरे बह गईयां, जदों फजर दा वेला होया मेरा घर जलती परिंदियां नाल भरिया होया, जमीन ते आसमान सजे होए ने, जिबरील ने झंडे लाए ने, आसमान दे तारे नीवे हो गए ने, हत्ता के फजर दा वेला होया खारज मिली फजर दा वेला होया। अल्लाह फरमादिया अय्युहल नबी इल्ला अरसलना का शाहिदा व मुबशिरा व नज़ीरा दाइयन इलल्लाही बिइज़्निही बसिरा चम्मुनीरा। सुनी मजे नाल प्यार नाल बोल के कह दे, चल चढ़िया मीना दे लाल दा, चढ़िया मीना दे लाल दा, मुक गईया दुनिया तो रातां, नूर मुखड़ा नाल जुल्फा कालिया सदके वारी जा। सुनी प्यारे दोस्तों अजीजो, याद फरमा लो, ए मेरे नबी पाक सरकार दुनिया ते जलवागरी हुई है, याद कर लेना। सुनिए, अगर कोई बंदा उसनु नजरियाती सुनी होना चाहिए, तवज्जो है कि नहीं, सुनी बनो और नजरियाती सुनी बनो। साडे जिले विच अगर कोई चौधरी नजरियाती सुन्नी है और सुनिया दे नाल हर वेले खड़ा हुंदा है, तो उहदा नाम मोहम्मद बख्श। तुसीं इंज कह लो, ए सुनिया दा चौधरी, इहदे नाल प्यार करिया करो, इस शख्सियत नाल मुहब्बत करिया करो, तुहानूं इहदे नाल मुहब्बत होनी चाहीदी, इहदे नाल खड़े होवो, इहदे दस्तो बाजू बणो। फकीरो दरवेशो,
जेड़ा रसूल अल्लाह दे नाम ते नबी पाक सरकार दे दीन वास्ते खड़ा नजर आवे उस बंदे दे नाल खड़े हो जा खड़े हो जा समझ आई है कि नहीं ए साडी सुनिया दी जिम्मेदारी है कि असि पहचान करिए साडा कौन है या रसूल अल्लाह आखण वाला कौन है साहबा नाल प्यार करन वाला कौन है मौला अली दी मोहब्बत च डुबिया होया ते सरशार कौन साथियो रदीदो अपना बिगाना सियाणिया करो इन जुमलिया ते गल मुकावांगा जिस सुहानी घड़ी चमका थे पाका चांद उस दिल फरोज साथ बेला खोसला मुस्तफा मिलाद शरीफ बड़े खूबसूरत बयान कर दे हर साल तशरीफ ले बयान आप समाप्त फरमाना सारे नाल सलाम हो गया अल्लाह ताला आप सब दी और फकीर दी हाजरी महफिल पाक कबूल फरमाए।